अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये मिटती मानवता की आशा है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। शक्तिमान अपनी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं होने देता। तुम लोग परगड़ियों को नाशा भेजने वाले थे ना, जो मैं नहीं चाहता था, इसलिए परगड़ियों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। शक्तिमान, अरे शक्तिमान ने परगड़ियों का अपहरण कर लिया, शक्तिमान ने परगड़ियों का अपहरण कर लिया, शक्तिमान ने परगड़ियों का अपहरण कर लिया, शक्तिमान ने परगड़ियों का अपहरण कर लिया। पूरे शहर को चौंका कर रख दिया है। शहर के मेयर श्री कुमार रंजन जी से हमारे संवाददाता ने एक खास मुलाकात की, जिससे ये पता चलता है कि शक्तिमान परग्रहियों को नासा के हवाले करने के खिलाफ थे। इसी मुद्दे पर शहर के मेयर श्री कुमार रंजन जी से कुछ खास बातें। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो शक्तिमान आज तक लोगों के दिलों पर हीरो बनकर राज करता था, आज उसी शक्तिमान ने सभी के दिलों को तोड़ दिया। सच्चाई और नेकी के पथ पर चलने वाला शक्तिमान आज देशद्रोही बन गया है। परग्रहियों को नासा को सौंपने से पहले ही शक्तिमान के बारे में रिपोर्ट लाने वाली गीता विश्वास ने हमसे कहा था कि शक्तिमान कभी ऐसा नहीं करने देगा, और आप देखिए, शक्तिमान ने अपनी बात को सच कर दिखाया। शक्तिमान उन परग्रहियों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच से ले उड़ा, क्योंकि शक्तिमान शक्तिशाली है, मायावी है, उसके लिए ये काम कोई बड़ा काम नहीं है। और ये सब क्या हो रहा है? शक्तिमान इतना नीचे गिर जाएगा कि दूसरे ग्रहवासियों के कारण वो अपने ही देश से गद्दारी करेगा। ये बात हम कभी सोच नहीं सकते थे। और अपने देश से गद्दारी करने वाला इंसान देशद्रोही होता है, जिसे हम कभी माफ नहीं कर सकते। शक्तिमान बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा, इसलिए उसके खिलाफ अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया है। देशद्रोह का इल्जाम और गिरफ्तारी का वारंट शक्तिमान के नाम।
जरूर कोई शक्तिमान के नाम को बुरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, परंतु कौन हो सकता है? तुम दोनों हमारे बहुत काम आ सकते हो, इसीलिए तुम दोनों को उठा लिया। मगर अफसोस, तुम दोनों उठ नहीं पाओगे। हाँ, कुछ समय के लिए तुम दोनों को बेहोश रखना पड़ेगा। अल्फांसो। यस बॉस। इन्हें समय समय पर बेहोशी के इंजेक्शन देते रहना। अगर ये दोनों होश में आ गए तो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोंट वेरी बॉस, हमारे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। वेरी गुड अल्फांसो। अब शक्तिमान को सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्फांसो, इन्हें बेहोश करो। करने निकले थे, जरा तुम्हारी शक्ल तो देखे। ओहो, तो छुपी रुस्तम तुम हो। शहर के मेयर कुमार रंजन। पुलिस को जाके बताना सच्चाई। टू मच, लोग सचमुच पागल हो गए। शक्तिमान की आन और शान पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि वो लोग जानते हैं कि मुसीबत के वक्त शक्तिमान ने हमेशा उनका साथ दिया है। लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है देवी जी, कोई शक्ति है जो उन्हें फांस रही है। लेकिन प्रशासन को भी एक बार सोचना चाहिए था ना। वो शक्तिमान जिसके लिए देश की रक्षा उसकी जिम्मेदारी उसका कर्तव्य है, जिसकी उत्पत्ति ही देश की रक्षा के लिए की गई थी, उसे इतनी आसानी से देशद्रोही करार कर दिया उन लोगों ने, उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर दिया। शांत शांत देवी जी, शांत। अरे ऐसी दो चार परीक्षाओं से तो शक्तिमान भैया को हमेशा दो चार होना पड़ता है। लेकिन हमेशा सच्चे इंसान को ही परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है, बुरे इंसान को क्यों नहीं? क्योंकि बुराई पर चलना जितना आसान होता है देवी जी, सच्चाई पर चलना उतना ही मुश्किल होता है। क्या हुआ? कहीं कोई खतरा महसूस हो रहा है, जाना होगा। एक मिनट, अगर तुम शक्तिमान बनकर वहां गए तो वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तुम्हारे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू किया गया है। तब भी शक्तिमान भैया अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे देवी जी। चलता हूं। ये लीजिए संभाल। शक्तिमान, मेरे बच्चे। बहन जी, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा करते। रुक जाओ शक्तिमान। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। ये रहा तुम्हारे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट। तो मैं अपराधी हूं, देशद्रोही हूं। ये मैं नहीं कहता, कानून कहता है। मुझे जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। मैं कहां आपको आपके कर्तव्य से विमुख कर रहा हूं इंस्पेक्टर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शक्तिमान। ठहरिए इंस्पेक्टर। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, आप शक्तिमान को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि शक्तिमान ने कोई अपराध नहीं किया है और ना ये कभी कर सकते हैं।
हमारे पास इसकी गिरफ्तारी के नॉन अवेलेबल वारंट है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते आप? आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा। मिस गीता, हद में रहकर बात करो। कहीं ऐसा ना हो कि कानून के तौहीन के जुर्म में तुम्हें भी हवालात की हवा खानी पड़े। गीता, तुम शांत हो जाओ, इन्हें अपना काम करने दो। हथकड़ी पहनाओ इंस्पेक्टर। रुक जाओ इंस्पेक्टर। शक्तिमान को गिरफ्तार नहीं करना। शक्तिमान ने हमारा अपहरण किया ही नहीं था। जो अपराध शक्तिमान ने किया ही नहीं है, उसके लिए उसको गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? हमको तो किडनैप इसने किया था। शहर के मेयर कुमार रंजन ने। कुमार रंजन, शक्तिमान को बदनाम करने की साजिश इन्हीं की थी। और शहर में ये जो आतंक फैल रहा है ना सर, वो सिर्फ इसकी वजह से, मेयर कुमार रंजन की वजह से। वो तो अच्छा हुआ कि मिस्टर सबकर ने फोन करके पुलिस को इसके अड्डे पर बुला लिया और हमने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मैं खुद इसके अड्डे पर गया था, हमें इसके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। शहर में आतंक फैलाने के साथ साथ हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई भी करता था। इसके संबंध अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह से भी। खैर, अब शहर में सालों से फैला हुआ साहब का आतंक खत्म हो चुका है और साथ ही हमें यह भी पता चल चुका है कि साहब के भेष में ये सफेदपोश कुमार रंजन है, जो सालों से मेयर बनकर हमको धोखा दे रहा था। विश्वास है ना शक्तिमान की न्यूज लाने वाली? जी, लेकिन आप? कुमार रंजन, कुमार इंडस्ट्रीज का मालिक। जी जी हाँ, मैं बाहर जॉगिंग कर रहा था, मुझे लगा कि अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं चला आया। वैसे ये लोग हैं कौन और आपको पकड़कर कहाँ ले जा रहे थे? मुझे खुद पता नहीं ये लोग कौन है, बस मुझे ये लोग यहाँ लाकर। खैर, जो भी हो, जो कुछ भी हुआ है आप सब पुलिस को बताइएगा। चार लोगों को गोली लगी है, पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। जी हाँ, यही ठीक होगा। आप घबराइए मत, यहाँ नजदीकी पुलिस स्टेशन है, वहीं पर चलते हैं। मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। ओके जी। हेलो इंस्पेक्टर।
कुमार साहब, वो लोग ड्रग्स माफिया से जुड़े हुए थे। क्या? What? Yes. ये देखिए, उनके पास से हमें ये बरामद हुआ है, ड्रग्स। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो लोग जिंदा भी है या नहीं? अफसोस, जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो चारों दम तोड़ चुके थे। अब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। काश उन लोगों में से अगर एक भी जिंदा हमारे हाथ लग जाता था ना, तो आज उनका पूरा गिरोह कानून की पकड़ में होता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उनमें से एक लड़की सही सलामत भाग निकली थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां उन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था, मिस गीता विश्वास। लेकिन अगर वो ड्रग्स माफिया के लोग थे तो उन्होंने गीता पर हमला क्यों किया? आखिर इस हमले के पीछे उनका मकसद क्या था? शायद बदला। बदला? लेकिन वो मुझसे किस बात का बदला लेना चाहते थे? शायद आप दोनों को पता होगा, दो दिन पहले शक्तिमान उस ड्रग्स माफिया के कुछ लोगों को पकड़ना चाहता था। इससे पहले कि शक्तिमान उन लोगों तक पहुंचे, वो जीप एक धमाके के साथ उड़ गई, या फिर उसे उड़ा दिया गया था ताकि शक्तिमान उनको न पकड़ सके। उन आदमियों को उड़ाकर माफिया वाले शक्तिमान के हाथ से तो बचकर निकल गए, लेकिन उनका नुकसान भी काफी हुआ। आपका मतलब यह है इंस्पेक्टर, कि शक्तिमान की वजह से जो नुकसान हुआ था, उसका बदला चुकाने के लिए उन्होंने गीता पर हमला किया? यस, इस बात को सभी जानते हैं कि शक्तिमान का रिश्ता हम आम इंसानों से भी ज्यादा गीता विश्वास के साथ है। एक और अच्छी बात तो ये हुई कि आप वक्त पर वहां पहुंच गए, वरना उन लोगों से गीता विश्वास का बचना तो बहुत मुश्किल था। मैं तो वहां संयोग से पहुंच गया था इंस्पेक्टर साहब, मगर आप ये बताइए कि आपकी पुलिस कर क्या रही है? क्या आप जानते हैं कि शहर पर ड्रग्स का प्रभाव कितना बढ़ चुका है? अगर ढूंढा जाए तो हर गली में दो चार ड्रग एडिक्ट तो मिल ही जाएंगे। कुमार साहब, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। फिर भी आपकी पुलिस ने इस शहर में ड्रग्स का व्यापार फैलाने वाले गिरोह के किसी भी आदमी को आज तक नहीं पकड़ा, और ड्रग्स माफिया वाले बड़े आराम से हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे रिहैबिलिटेशन कैंप में आकर देखिए, आप देखेंगे कि किस तरह हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स का शिकार हुई है। और तो और, वहां पर एक 11 साल का छोटा सा बच्चा है इंस्पेक्टर साहब, इतनी छोटी सी उम्र में एक नन्ही सी जान को पता नहीं किसने ड्रग की लत लगा दी है, और इस ड्रग्स की भारी डोज की वजह से उस लड़के ने अपनी आंखों की रोशनी गवा दी इंस्पेक्टर साहब, वो अंधा हो चुका है। वो मेरा बस चले तो ऐसा जहर फैलाने वाले हर इंसान को जिंदा नहीं छोड़ू मैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे ड्रग्स माफिया वालों को जल्द से जल्द पकड़ लें, ताकि ये समाज इनके चंगुल से मुक्त हो सके। Baba ne da.